हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक हेल्प में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू सेट योर जियो VPN सेटिंग इन रियलमी फ़ोन। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल टेक हेल्प को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जियो VPN सेटिंग को सेट करने के लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में पहुंच के दोस्तों यहाँ लिखा है डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क, इनको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिम वन है ना, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर नीचे देखिए SS पॉइंट नेम का ऑप्शन आ रहा है, इसी को APN बोलते हैं। दोस्तों हमें इसी पर क्लिक करना है। तो दोस्तों ये आ चुका है जियो नेट इंटरनेट APN SS पॉइंट नेम। अगर दोस्तों आपके में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको राइट साइड में कोने पर ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा उस तरह से आपको सब सेट करना है। अगर आपका नेट चल रहा है तो सही है, वरना नहीं चल रहा है तो आप प्लस के ऑप्शन पर टिक करके जैसा जैसे मैं बताऊँगा उस तरह से आपको सेट करना है। तो अभी तो फिलहाल मेरे में ये आ रहा है, तो मैं इंटरनेट जियो नेट के राइट साइड में ये ऑप्शन आ रहा है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ चुके हैं, तो मैं स्टार्टिंग से आपको सब सेट कराता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले है नेम, तो नेम में दोस्तों लिखा है इंटरनेट, तो इंटरनेट आपको इंटरनेट ही रहने देना है, इसको छेड़ना नहीं है। दोस्तों यहाँ पर APN में जाना है, APN में जियो नेट लिखा है तो इसको जियो नेट लिख लेना है। प्रॉक्सी में जाके दोस्तों ये नॉट सेट है, इसको नॉट सेट ही रहने देना है। पोर्ट में भी ये दोस्तों नॉट सेट है, इसको भी नॉट सेट रहने देना है। यूजर नेम में ये भी नॉट सेट है दोस्तों, इसको भी नॉट सेट रहने देना है। तो दोस्तों जितने भी नॉट सेट के ऑप्शन आ रहे हैं उनको हमें छेड़ना नहीं है, जैसा है वैसा ही रहने देना है। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए दोस्तों MCC का ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों यहाँ 405 अगर आपके में सेट नहीं है तो आप यहाँ से 405 सेट कर लें। अगर आपके पहले से सेट है तो उसे वही रहने दें, बढ़ाने या कम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों MNC का ऑप्शन आ रहा है, उसमें 870 कर लेना है। अगर आपके पहले से है तो वो सही है, अगर नहीं है तो आप 870 कर लें और इसको भी बढ़ाने या घटाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आ रहा है ऑथेंटिकेशन टाइप, तो दोस्तों ये नॉट सेट है, इसको भी नॉट सेट रहने देना है। तो यहाँ पर APN टाइप का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें डिफ़ॉल्ट कॉमा SUPL कॉमा XCAP, तो दोस्तों यहाँ पर कॉमा का ध्यान रखना है, अच्छी तरह से जैसा इसमें लिखा है वैसा ही लिखना है और कुछ नहीं करना है। अगर आपके पहले से सेट है तो सही है, अगर नहीं है तो उसे छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको सेव कर देना है। दोस्तों APN प्रोटोकॉल में जाना है, इसमें दोस्तों तीन ऑप्शन आ रहे हैं IPv4 IPv6, तो दोस्तों इसको IPv4 और IPv6 पर ही रहने देना है, IPv4 नहीं करना है ना ही IPv6 करना है। इसमें तो एक दोनों को सिलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी, तो दोस्तों इसमें भी आपको कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, IPv4 और IPv6 को सिलेक्ट रहने देना है। अगर आपके में नहीं है सेट तो आप सेट कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे बैरियर का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें अनस्पेसिफाइड है, तो दोस्तों उसको अनस्पेसिफाइड ही रहने देना है। LTE आप सोचे LTE कर लें तो नहीं दोस्तों, इसको अनस्पेसिफाइड ही रहने देना है। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे है MVNO टाइप, तो इसको नन ही रहने देना है, इसको SPN IMSI करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ वही आप कर लीजिए। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से चेक करा देता हूँ, कहीं कोई मिस्टेक ना हो आपसे, बस छोटी भी मिस्टेक कोई होगी तो आपका नेट नहीं चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर नेम में आपको इंटरनेट करना है, APN जियो नेट, प्रॉक्सी नॉट सेट, पोर्ट नॉट सेट, जितने भी नॉट सेट है दोस्तों उसको नॉट सेट ही रहने देना है। MCC दोस्तों आपको 405 कर लेना है, अगर आपके में सेट है तो सही है, अगर नहीं है तो उसको 405 कर लेना और घटाने बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों MNC इसमें है 870, तो दोस्तों 870 कर लेना, इसको भी घटाने बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर APN टाइप, इसमें दोस्तों डिफ़ॉल्ट कॉमा SUPL कॉमा XCAP, दोस्तों कॉमा का विशेष ध्यान रखें,
और कॉमा नहीं लगाएंगे तो आपका नेट नहीं चलेगा। तो दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉमा का विशेष ध्यान रखें, जैसा इसमें लिखा है वैसे ही लिखना है। तो दोस्तों APN प्रोटोकॉल में दोस्तों IPv4 और IPv6 एक साथ है, उनको सिलेक्ट करना है। IPv6 और IPv4 नहीं करना है दोस्तों, जो दोनों एक साथ है उन दोनों को करना है। और दोस्तों यहाँ पर APN रोमिंग प्रोटोकॉल में दोस्तों IPv4 और IPv6 इसमें भी आपको वही करना है दोस्तों। IPv6 IPv4 करने की ज़रूरत नहीं है, जो दोनों एक साथ है उसी को रहने देना है। दोस्तों यहाँ पर बैरर में अनस्पेसिफाइड है तो उसे अनस्पेसिफाइड ही रहने देना है। LTE HSPAP है, HSPA कोई करने की ज़रूरत नहीं है, अनस्पेसिफाइड इसको रहने देना है। दोस्तों यहाँ पर MVNO टाइप है दोस्तों, इसमें नन है तो इसको नन ही रहने देना है। SPN IM ऐसा ही करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप उल्टा सीधा करेंगे तो आपका नेट नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये थी जियो APN की सेटिंग रियलमी फ़ोन में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।